बिहार विधान परिषद में मैथिली में शपथ लेने वाले विधान पार्षदों को विद्यापति सेवा संस्थान के द्वारा दरभंगा में सम्मानित किया गया। स्थानीय MLSM कॉलेज के सभागार में यह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंत्री संजय झा, मंत्री आलोक रंजन एवं विधान परिषद के सदस्य घनश्याम ठाकुर को पाग चादर एवं माला देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मिथिला विश्वविद्यालय एवं संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति सहित शहर के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। वहीं दूसरी तरफ मंत्री संजय झा ने कहा कि मैथिली से अब लोग IAS करते हैं, यह भाषा अब किसी के मोहताज नहीं है। हमारे ही गांव के बगल के एक मैथिली से IAS करके वो देश का सेवा कर रहे हैं। मैथिली अष्टम सूची में शामिल है, अब इसका फायदा होगा प्रारंभिक स्तर से लेके उच्च स्तर तक मैथिली में कई कार्य होंगे। उन्होंने कहा कि यह हमारा मातृभाषा है। वहीं दूसरी तरफ नए सशस्त्र पुलिस सेवा में जो यह नियम आया है, इस संबंध में उन्होंने पत्रकारों को विस्तार से बताया। वहीं इन्होंने कहा कि इससे जो सड़क पर पुलिस दिखते हैं उनको इस नियम से अलग रखा गया है, उन्हें इस नियम से कोई मतलब नहीं। उन्होंने क्या कहा आप स्वयं सुने, दरभंगा दर्शन से मनोज झा। उसी के लिए आया कि जो मेन प्रतिष्ठान होगा जहां स्पेशलाइज पुलिस को सुरक्षा करना होगा, CISF क्यों सिक्योरिटी करता है, नाम है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, क्यों बना CISF, तो पुलिस से ही करा देते। क्या जरूरत था कि एयरपोर्ट का सुरक्षा CISF से कराने की, या कोई बड़ा धर्म का स्थान है या बड़ा कोई औद्योगिक प्रतिष्ठान है उसका सुरक्षा CISF करता है। उसी के तर्ज पर बिहार सशस्त्र पुलिस को जो BMP का नाम बदल दिया गया उनको लगाया जाए। अभी जब से बिहार में सरकार बनी NDA की, तब से यहाँ प्रोग्रेस बहुत हुआ है। अब नए नए संस्थान आ रहे हैं, तो आप CISF को मंगाते हैं बाहर से तो उसमें खर्चा भी बिहार सरकार को देना पड़ता है और नौकरी बाहर के लोग करते हैं। जब बिहार मिलिट्री पुलिस जो बिहार सशस्त्र पुलिस हो गया है उसमें यही के लोगों को रोजगार मिलेगा और स्पेशलाइज ट्रेनिंग करेंगे। सारा बात कल पुलिस के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को ब्रीफ कर दिया उस कानून में क्या है। कहीं से भी आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, कहीं से भी जो नॉर्मल सड़क पर पुलिसिंग देखते हैं उनसे उनका कोई लेना देना नहीं। उनका काम जो उनको प्रतिष्ठान दिया जाएगा, एयरपोर्ट दिया जाएगा, महाबोधि टेम्पल दिया गया, वहाँ के सुरक्षा से संबंधित काम उनका रहेगा। अब वहाँ पर कल को कोई फायरिंग करेगा, कल को कोई और काम करेगा, वहाँ तो अंदर पुलिस रहते नहीं, यही सिक्योरिटी के लोग रहेंगे, वही उठाकर उसको थाना को सुपुर्द करेंगे। तो विपक्ष के नेताओं को दिया भी, लेकिन मिथिला मैथिली भाषा में प्रारंभिक शिक्षा हो वो बिहार सरकार ने तय कर दिया है। प्रारंभिक शिक्षा और जब IAS में BPSC में सब मैथिली पढ़ करके ऐसे लोग भी जो मैथिली भाषी नहीं है वो लोग भी UPSC में मैथिली लेकर के पास कर रहे हैं, तो ये तो स्वाभाविक था कि प्रारंभिक शिक्षा में इससे मेरे ख्याल से बहुत बड़ा विकास होगा। मिथिलाक्षर की बात होती है जो लिपि है मैथिली भाषा की, आप लोगों को ध्यान होगा कि इसके लिए कमेटी बनाई गई थी, कमेटी के मेंबर बने और इन सब ने रिपोर्ट भी भारत सरकार को सबमिट कर दिया। नया नहीं कुछ करना है, मिथिलाक्षर की कमेटी बनी थी, मैंने भी प्रयास किया था कमेटी बनकर, कमेटी ने रिपोर्ट में दिया था कि एक उसका सेंटर मिथिलाक्षर का या मिथिला यूनिवर्सिटी में या संस्कृत यूनिवर्सिटी में खुलना चाहिए, भारत सरकार जल्दी से इसको इम्प्लीमेंट कर दे। तो जो लिपि भी है मैथिली मिथिला का उसका भी संरक्षण और इसका इस पर और काम शुरू हो जाएगा। अभी मैंने देखा कितने बच्चे यहाँ पर मिथिलाक्षर सीख रहे हैं, अब मैं देख रहा हूँ कि मिथिलाक्षर मास में भी जा रहा है सीखने को। तो मेरे ख्याल से मैथिली के बात तो बहुत, चाहे नीतीश जी हों, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हों, चाहे नरेंद्र मोदी जी हों, सब ने मैथिली के लिए बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है, इंडिया ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है।
तो मेरे ख्याल से मैथिली भाषा का तो टाइम अच्छा आ गया और मिथिला का भी टाइम बहुत अच्छा आ गया है। इतना मैं आपके माध्यम से जरूर कर रहा हूँ, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे एम्स हो, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे पावर सिचुएशन हो, और अगले 5 साल में मिथिला का हर एक खेत सिंचित हो जाए, ये भी बात है। तो मेरे ख्याल से आगे